Hello, my dear students, how are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I'm Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, let us start today's topic. और जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का. और आज जो मैं आपको टॉपिक करूँगा वो है अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको पता है कि व्हेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड. दैट मीन्स इट्स चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे गेट सेपरेटेड. इसके एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. और आमतौर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं उसको वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं, तो उसकी एक प्लेट हो गई पॉजिटिव, दूसरी हो गई नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स. और उस स्पेस में हम रख देंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को और फिर देखेंगे कि उसमें जो चार्ज इंड्यूस होता है, इंड्यूस का मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं, वो मैग्नीट्यूड उसकी कितनी होती है. दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड. सो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मान लो बेटा जी, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उसकी एक प्लेट है, इसको हमने दिया पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस क्यू. ये दूसरी प्लेट है, इस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू, तो इस पे चार्ज नेगेटिव आ गया. और आपको पता है कि नेट चार्ज होने चार्ज कैपेसिटर जीरो, क्यू प्लस माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. अब इसमें हमने रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाइक दिस, ऐसे करके. ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन, ये जो साइड है इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ये हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया. अब मान लो, ये भी हमने पहले पढ़ा है, मान लो जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ इस तरफ आ गया माइनस क्यू आई, आई स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड, और इस तरफ आ गया प्लस क्यू आई. हमने ये वैल्यू निकालनी है कि क्यू आई किसके बराबर होगा. तो मान लो ये जो स्पेस था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में नहीं रखा था, उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक तो उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और फील्ड होता है यूनिफॉर्म एक्सेप्ट एट द एजेस. एजेस पे जाके थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसको हम एज इफेक्ट कहते हैं. लेकिन इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको पता कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होती है, दैट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर आपसे कोई ये कहे कि हाउ कैन बी प्रोड्यूस सच ए फील्ड, तो आपने कहना वी कैन ऑब्टेन सच ए फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी डायरेक्शन मैंने बताया फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट. वो फील्ड मान लो ई नॉट था. अब जब स्लैब को रखा इसके बीच में, तो इसकी होगी पोलराइजेशन. इस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आ गया उतना ही पॉजिटिव चार्ज. और जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ये जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसके अंदर ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस. उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव. इसको मैं कह सकता हूं ई आई, इंड्यूस चार्ज, ई आई, आई स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड. इसका मतलब देखो, ये जो जगह खाली बची यहां पे और यहां पे, इस जगह पे दोनों तरफ अभी भी फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट, लेकिन इसके अंदर दो फील्ड हो गए. वन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मान लो ऐसे है, ऐसे करके
ये मैं लंबा एरो बना रहा हूँ क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है अप्लाइड की वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है। और आपको बताएं ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन। तो क्योंकि ई नॉट की मैग्नीट्यूड ई आई से ज़्यादा है तो इसके लिए मैंने लंबा एरो बनाया ई नॉट, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है You can see it from the positive plate of the capacitor towards the negative plate. और जो induced charge है उसके लिए मैंने arrow छोटा बनाया क्योंकि उसकी magnitude E naught से कम है और उसकी direction है ये जो positive charge induced हुआ उससे negative charge की तरफ। इसका मतलब inside the dielectric there are two electric fields. Number one, applied electric field E naught which is due to the charged parallel plate capacitor और दूसरा electric field due to the induced charges. तो जो नेट बचेगा यहाँ पे वो इनका वेक्टर सम आएगा और क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और आपने पढ़ा वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स में कि जब दो वेक्टर जो हैं दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस तो उनके रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा उसका नाम मैं अगर ई रख लूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ एरो नहीं अभी डाल रहा मैं, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई माइनस ई आई एंड यू कैन सी दैट ई इज लेस देन ई नॉट बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ई है मैं एरो ऐसे बनाता हूँ और इसकी लेंथ लगभग इतनी बनाऊंगा जितनी इसकी है उसमें से इसकी माइनस कर दी तो इतनी इसकी लेंथ आ गई और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ E और इसकी मैग्नीट्यूड क्यों इसके बराबर है बिकॉज E नॉट एंड E I आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये आ गया इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो What is the applied electric field? E naught. What is the induced electric field? E I. And what is the reduced electric field? E. और क्या relation है इनमें कि E equal to E naught minus E I. E naught minus E I. Now, let us call this as equation number one. अब मैंने आपको बताया था कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डायलैक्ट्रिक विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल के और यू कैन डिनोट इट बाय एप्सिलॉन और दैट इज डिफाइंड इन मैनी वेज। मैंने आपको इसकी चार डेफिनेशन बताई थी एक ही जगह पे, तो उनमें से एक डेफिनेशन थी कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, व्हाट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो द रेशियो ऑफ ई नॉट टू ई इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द गिवन डायलैक्ट्रिक एंड देयर फॉर यू कैन से दैट वॉट इज ई इक्वल टू, ई विल बी इक्वल टू ई नॉट ओवर के, ये मैं ई इस तरफ ले गया के नीचे लिया डिवाइडेड बाई के। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन वन वी गेट ई नॉट ओवर के इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई और यू कैन से दैट। अब क्या करो ये जो ई नॉट ई आई है इसको इस तरफ ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ई आई और इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ गया इक्वल टू ई नॉट माइनस, ये इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ई नॉट ओवर के इक्वल टू। अब क्या करो ई नॉट को निकाल लो कॉमन और ब्रैकेट में आ गया वन माइनस वन बाई के, वन माइनस वन बाई के, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए हमने ये पढ़ा है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया बाय ई नॉट, तो नाउ ई नॉट इक्वल टू, नाउ ई नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसकी होगी प्लस सिग्मा इसकी होगी माइनस सिग्मा, क्योंकि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अगर इस प्लेट का एरिया ए है तो इसकी सरफेस डेंसिटी हो गई क्यू बाई ए और इसका भी जो एरिया वो इसके बराबर ही होता है ए,
तो इसकी हो गई माइनस क्यू बाई ए, तो ए की प्लस दूसरे की माइनस। लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिमिलरली सिग्मा आई जो ई आई है, सिग्मा ई आई विल बी इक्वल टू सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? कि ये जो सिग्मा आई है इट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द ये डाइलेक्ट्रिक ऑन इट्स टू साइड्स, वन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और अगर इस फेस का और इस फेस का एरिया भी इसके बराबर ही है, प्लेटों के बराबर, तो इसकी आ जाएगी क्यू आई ओवर ए और इसकी आ जाएगी माइनस क्यू आई ओवर ए, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, लेकिन हम उसकी वैल्यू लेते हैं सिग्मा आई। नाउ लेट अस पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और ई आई की वैल्यू सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट ई आई, दैट मीन्स सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इन टू वन माइनस वन बाई के, वन माइनस वन बाई के। नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट गोज विद एप्सिलॉन नॉट एंड यू नो दैट वॉट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, और सिग्मा आई इक्वल टू दिस सिग्मा। एंड एज आई टोल्ड यू वॉट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर एरिया, तो सिग्मा आई आ जाएगा और यू कैन से दैट क्यू आई ओवर ए इक्वल टू क्यू ओवर ए इन टू वन माइनस वन बाई के। और यहां पे बेटा जी मैं मान के चल रहा हूं कि इसके जो फेस का एरिया है, दोनों फेसेस का, इसका और इसका, वो उतना ही है जितना के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया है। तो अगर ये एरिया बराबर है तो ए विल गो विद ए एंड वी आर लेफ्ट विद क्यू आई इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, एंड दैट इज द फार्मूला फॉर द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्यू आई क्या चीज है? इंड्यूस्ड चार्ज। हमने क्या निकालना था? अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड किस पे? ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड बाई द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फार्मूला इज वैलिड वेदर द स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू और ए पार्ट ऑफ इट, और ए पार्ट ऑफ इट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका साइज भी कम हो सकता है, यानी कि इसका जो इनके फेसेस का एरिया वो कम भी हो सकता है। सो रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर द इंड्यूस चार्ज इज वैलिड इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और द साइज ऑफ द स्लैब, दैट मीन्स वेदर द स्लैब कंप्लीटली fills the whole space between the plates of the charge parallel plate capacitor or a part of it. तो ये फार्मूला हमेशा हम यूज कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पे बेटा जी हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिव और इस तरफ कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। लेकिन वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अब हम लेते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, और उसमें अगर हम मेटल रख दें इंस्टेड ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक वी प्लेस ए मेटेलिक स्लैब हियर, तो फॉर ए मेटेलिक स्लैब, फॉर ए मेटेलिक स्लैब, ये पहला केस है, फॉर ए मेटेलिक स्लैब, आपको पता है के कितना होता है? के इक्वल टू इन्फिनिटी। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल इज इनफाइनाइट, तो अगर मैं यहां k की जगह इनफाइनाइट पुट कर दूं तो आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। सो देयर फोर वॉट विल बी क्यू आई? क्यू आई विल बी इक्वल टू क्यू इन टू वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी एंड एनी थिंग फाइनाइट ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया क्यू इन टू वन माइनस जीरो इक्वल टू क्यू। इसका मतलब अगर ये मेटेलिक स्लैब हो
तो इसके इस फेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी माइनस क्यू जितनी के इसकी है, और इस तरफ आ जाएगा प्लस क्यू। कब? व्हेन दिस इज ए मेटालिक स्लैब। लेकिन इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, आपको पता है कि के की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है, तो अगर के की वैल्यू एक से ज्यादा है तो वन ओवर के जो आएगा वो एक से कम आएगा, तो यहाँ पे जो नेट आंसर आएगा इसका Q का, दैट विल बी लेस देन Q, यानी कि क्यू आई विल बी लेस देन Q बिकॉज K इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, कम से कम इसकी वैल्यू वन होती है, एंड दैट इज इन द केस ऑफ एयर और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैक्यूम। तो दूसरा जो मैं स्पेशल केस लूंगा दैट इज ऑफ एयर और वैक्यूम। सो सेकेंड केस इज For air, strictly speaking vacuum, vacuum, k equal to 1, air का जो dielectric constant है जब 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, it can be taken as 1.0003, so थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन टेक द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर आल्सो इक्वल टू वन, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज फॉर वैक्यूम। सो अगर इसमें एयर हो प्लेटों के बीच में या वैक्यूम हो तो व्हाट विल बी क्यू आई, क्यू आई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन ओवर, लेट अस पुट हियर के इक्वल टू वन वन, एंड इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर एयर या वैक्यूम है तो उस पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोलराइजेशन होने के लिए कोई एटम या मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ये जीरो आ गया। अब एक चीज और आपको बता दूं मैं, ये फार्मूला तो बेटा ही तब लगता है जब एरिया जो है इस फेस का और इन दोनों प्लेटों का एरिया बराबर हो, लेकिन मान लो इन प्लेटों का तो एरिया है इसका भी ए, और इसके फेस का एरिया है ए आई, यानी कि उसके बराबर नहीं है, देन क्यू आई विल बी इक्वल टू, क्यू आई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ए आई ओवर ए इंटू वन माइनस वन ओवर के, वन माइनस वन ओवर के। अब इसमें ए आई किसका एरिया, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ए आई, एंड व्हाट इज ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर ये बराबर हो जाए ए आई, जैसे कि यहाँ पे लिया हमने बराबर ए आई इक्वल टू ए होगा, तो यहाँ भी मैं ए पुट करूँगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वही फार्मूला आ जाएगा क्यू आई इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के। लेकिन अगर एरिया में फ़र्क हो, मान लो न्यूमेरिकल आपको आता है उसमें एरिया में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डायलैक्ट्रिक when it is placed in an external electric field. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.